क्या नाम है? उमेश साहू नाम है, पिता का नाम श्री राम लगन साहू है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरा पंचायत के। तो क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग जब समिति में अपना जो समिति जमगड़ी है उसमें जब धान लेके जाते हैं तो लेके जाएंगे अपनी जो भी हमारी बोरी रहेगी वो तो बोरी रहती ही है। अगर आप मुझे शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के लिए बोरी का इशू कराते हैं तो उन्होंने ये उनसे यही जवाब मिलता है कि भाई आप पैसा दोगे तो बोरी आपको मिलेगी, वरना बोरी नहीं है मेरे पास। अच्छा, इस तरह से टिप्पणी की जाती है वहाँ जी। तो आपने कहा नहीं कि मतलब सरकार, हमने इस चीज को बोला है कि भाई ऐसे कैसे होता है कि तब फिर आप इशू अपडेट क्यों देते हैं? अब जब आपके पास बोरी नहीं है तो अपडेट क्यों देते हैं? आपने डेट क्यों दे रखा है जी? जब मैं करंट डेट में लेके आया हूँ तो मुझे बोरी इशू कराइए, बोले बोरी नहीं है। ठीक, अगर वही बात मैं अगर पैसे के लिए बोल दूँ तो उनके पास बोरी आ जाती है। अच्छा, मतलब आप पैसे के नाम ले देते हैं तो बोरी है? हाँ, बोरी आ जाती है जी, ऐसा कुछ है। तो और कितने रुपए बोरी लेते थे वो? 15 रुपए बोरी। 15 रुपए बोरी, साफ शब्दों में बोल के कि भाई मेरे को 15 रुपए बोरी चाहिए जी, चाहे आपका जो मैटर हो वो आप समझो जी, मुझे चाहिए तो चाहिए जी, बस। आप पैसा देती है तो बोरी देती है? हाँ, तब आपके लिए कोई इशू नहीं है, बोरी मिल जाएगी जी। हाँ बिल्कुल, अगर आप पैसे के नाम ले लिए ना कि मुझे मतलब ऐसा कुछ है तो बोरी मिल जाएगी आपको। जब पैसा वो डायरेक्ट अपने हाथ से लेते थे? डायरेक्ट इन हैंड तो मुझे नहीं लिए थे, कोई उनका बंदा था जी, उसने बोरी दिया और वो पैसा लिया जी। और वहाँ क्या क्या कमी थी आपके लिए? वहाँ समस्या यही थी कि बोरी की ज्यादातर समस्या थी, उसके बाद सिलाई छल्ली की हुई तो इसके लिए भी आप उनसे पैरवी करो कि भाई कहाँ पे रखे हम जी, 10 बार उनका पैरवी करो जी, कहाँ पे रखे। रखने के बाद यही समस्या होगी कि बोरी नहीं है, कांटा नहीं है, साला 3 दिन परेशान हो जी, ऐसा कुछ। अच्छा, इस तरफ चलिए, उनका नाम क्या है? श्री राजकुमार दुबे, सॉरी राजकुमार सिंह। जो वहाँ कई लोग मतलब दलाल भी करते हैं? हाँ, उन दलालों भी आपके साथ पैसे? दलाल तो हमसे ऐसा कुछ नहीं किए जी। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरा। गोरा के। तो आपका क्या मामला है? समिति प्रबंधक राजकुमार सिंह द्वारा जी, समिति में भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर गए हैं जी। कोई भी किसान उनके पास अगर जाता है जी, बिना पैसे का, मैं तो समझता हूँ अभी तो हमारे 10 लोग किसान हैं, लेकिन ऐसा गोरा धुम्मा डोल जट्ठा टोला कोई भी ऐसा किसान नहीं होगा जो बिना पैसे का वहाँ धान जमा किया होगा जी। उनका पैसा लेने का जो मानक प्रति बोरा के हिसाब से 15 रुपए 20 रुपए सिलाई के नाम पर अलग लेते हैं, और वहाँ बोलते हैं छल्ली उली लगाना इस तरह से करके अलग से, मतलब कई करके, कई मतलब 3-4 बार करके ऐसे उन लोगों को पैसा लेते हैं। अगर पैसे नहीं पाते हैं तो उन लोगों को दिखाते हैं धान खराब है जी, धान उनका ऐसा है, कल मतलब 10-10 दिन 20-20 दिन 15 दिन 7 दिन बिना पैसे का परेशान रहते हैं। अगर पैसे वो पा जाते हैं तो वही काम तुरंत हो जाता है। अच्छा, अगर पैसा अगर आप दे देते हैं पूरा तो वही काम तुरंत हो जाता है? हाँ, अगर पैसे जिनसे वो किसान जिस किसान से पा गए वो धान उनका एक नंबर क्वालिटी का बढ़िया हो गया। अगर पैसे नहीं पाते हैं तो कितना भी धान अगर पंखा उससे उड़ा दे भी धान तब पर भी बिना पैसे का वो नहीं कर, मतलब एक ही मतलब एक सिरे से अगर हम कहें तो सिर्फ उनसे पैसा लेना, पैसा वसूलना किसानों से जिस किसी माध्यम से अगर लेना, पैसा ही उनसे लेना है बस। अच्छा, उनका एक ही तरीका है पैसा ले लें, इसके बाद ही किसान का गोरा का धुम्मा डोल का जट्ठा टोल कोई भी किसान नहीं होगा जो बिना पैसे के धान अपना जमा किया होगा। अभी तो हम लोग 8-10 लोग बता रहे हैं, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो सभी किसानों के साथ इस प्रकार का समस्या आई है, वो झेले हैं सब लोग जी। नहीं, मतलब आपका पंजीयन कितना था? मेरा पंजीयन था 294 क्विंटल, उसमें से 50-55 क्विंटल पंजीयन मतलब शेष रह गया, नहीं जमा कर पाया। तो उसने आपको कितना पैसा दिया? नहीं, 15-20 रुपए मानक बोरा के हिसाब से पैसा लगा। अच्छा, 15 रुपए बोरा के हिसाब से लिया, उनसे लगता। और सिलाई का अलग से? हाँ, सिलाई के पैसा होगा। अच्छा, हाँ, छल्ली उल्ली करवाने का अलग से, जबकि शासन के निर्देश अनुसार किसान अगर अपना धान वहाँ पहुँचा दे इसके बाद वो मतलब उस समिति का जवाबदारी होती है, वहाँ पे ना छल्ली का ना सिलाई का ना किसानों के नाम पर किसी प्रकार का 1 रुपये पैसा नहीं लेने का ऐसा शासन का निर्देशानुसार प्रावधान है जी। इसके बावजूद भी किसान को परेशान करके वो लोग बेवजह तरीके से पैसे लेते हैं। तो आपने उनसे बोले नहीं कि मतलब पैसा सरकार बोलती है नहीं लगता है?
हमसे उसने कई बार बताया सबको, वो यही बोलते हैं कि हमारा ये नियम कानून हमको मत बताओ, ऊपर पैसा लगता है, हम लोग लेते हैं देते हैं बिना लिए दिए पैसा जमा करेंगे, जाओ जहाँ जाना हो जहाँ जैसा जाओ किसने बताओ, वो डायरेक्ट आपको बोलते हैं जहाँ जाना हो वहाँ जाके शिकायत। हाँ ऐसा वो डायरेक्ट, आप कहीं शिकायत भी किए हैं कि नहीं किए हैं? मैं इसके माननीय विधायक जी को भी संज्ञान में इनको जानकारी है ऐसा, और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ इसकी वजह से भी उनको ऐसा सब। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हैं? हाँ कार्यकर्ता भी। किस पद पर हैं? मंडल कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, फिर भी आपको नहीं छोड़ा गया? बिल्कुल नहीं छोड़ा फिर से। नहीं तो आप अपने विधानसभा तक पहुँचाने का मैटर क्यों नहीं प्रयास किए? मैं पहुँचा हूँ, माननीय विधायक जी के संज्ञान में है जी। तो विधायक जी क्या बोले? विधायक जी बोले कि इसका स्पष्ट जांच एक दो दिन में करवा दिया जाएगा। अच्छा, और आगे कहीं शिकायत उकायत? आगे शिकायत तभी नहीं पर, लेकिन ये सब हम लोग नहीं, आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ठीक ना, इसके बाद में यहाँ के जनता को अगर पैसा कुछ लूटा जा रहा है, आपकी सरकार है ऊंचे से नीचे, तो आपके क्या रहा है? हम सब किसान यूनियन हम सब किसान यूनियन में होकर के और इसके स्पष्ट इनका जांच कराने का मांग करते हैं, और इससे जांच कराया जाए इनका क्या है कैसे इनका पैसा, जो पैसा राजकुमार सिंह द्वारा लिया गया वो पैसा किसानों का जिस तरीके से लिया उसी तरीके से वापस कराने का, हाँ वापस किया जाए ऐसा हम सब। अभी विधायक जी आप दोबारा फिर बात किए हैं कि नहीं? नहीं, विधायक माननीय विधायक जी से दोबारा बात हो जाएगा जी। चलिए, विजय कुमार जसवाल, ग्राम के रहने वाले हैं, धुम्मा डोल के। तो क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि सर हम अपना यानी मतलब बाबा के पंजीयन में धान देने ले गए थे, और वहाँ बहुत परेशान कर रहे थे, बोले कि पैसा देंगे तभी बोरा मिलेगा, फिर बोरा भी दिए, बोले कि बोरा दे देंगे तो क्या कहते हैं कि सिलाई अभी नहीं हो गई जब तक पैसा इसका पूरा पेड़ नहीं करोगे, अब जब बोले पैसा देना तो वे क्या कहते हैं कि वहाँ जब रखे वहाँ पे धान तो वो बोले कि वहाँ क्या कहते हैं सिलाई अभी नहीं होगा, और सिलाई होगा तो इसका पैसा देना पड़ेगा, फिर पैसा वहाँ धान छोड़ के वहाँ से आ गए थे, तीन दिन हो गया था, उसका पैसा सिलाई का और छली का जमा कर दिए थे, फिर से जब दूसरा दिन धान ले गए 56 बोरी ले गए थे, तो उस दिन फिर बोले कि वो वाला धान आपको वो वाला उस दिन रखे हैं वो वाला ख़राब हो गया, वो ख़राब है और उसका पूरा कंप्लीट था पैसा। नहीं, आपसे कितना मांगे हैं पैसा? कितना बोले? कितना का पंजीयन था आपका? पंजीयन बाबा के नाम से था, उन्हीं के नाम से जमा करने गए थे जी, तो बोले कि इसका पैसा पैसा बिना यहाँ कोई काम नहीं होगा, और फिर वही ओसवाए थे क्या कहते हैं चमन, बोले बोले पूरा ख़राब है आपका धान, और सब लोग नहीं कह रहे थे उससे ख़राब ख़राब धान बगल में था उन लोगों का सबका चला है, उसमें 10-12-13 बता रहा था कहने मतलब उस मशीन में वहाँ उनका जो चेक कर रहे थे, तो और 15 तक का सिलाई हमारे सामने हुआ था बगल में जो था धान, और हमारा पैसा ना देने के नाते वो क्या कहते हैं हमारा सिलाई नहीं हो पा रहा था जी। फिर वो बोले कि इसको पूरा ओसवाना पड़ेगा, फिर हम दो आदमी लेके मजदूर लेके और ओसवाई करने लगे, जब फिर अपने आदमी से बोलवाए कि ओसवाओ मत क्या कहते हैं बहुत चला जाएगा आपका खखड़ा, और फिर 18-20 बोरी भर 22 बोरी भर ओसवाए थे तो 16-17 किलो भर 19 धान कुछ निकला था खखड़ा हुआ करके, फिर उसको काट के और फिर बोले कि पैसा 3,000 रुपये दे दो तो आपका लिखा जाएगा जी। अब फिर 3,000 नहीं, फिर 1,000 हमारे पास पैसा था, फिर 1,000 और वहीं से उधारी मांगे जी, वहीं के एक बैस जी थे उन्हीं के पास से 1,000 और उधारी लेके फिर 2,000 रुपये उनको दिए, फिर वो क्या कहते हैं धान लिखे हमारा। राजेश कुमार जसवाल है, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम ढुम्मा डोल के रहने वाले हैं। तो क्या मामला है आपका? जैसे कि हम लोग एक बार मैं 125 बोरा धान ले गया ठीक ना, तो उसमें बोले थे आपके 20 बोरा मतलब खखरिया है, 20 बोरा खखरिया वसाने के बाद में मेरा एक बार जब कम हुआ तो हुआ, और इसमें से मतलब फिर वो वसाने के बाद में 3,000 रुपये लिए, तब फिर उसको कापी में अपना एंट्री किए, जबकि मेरा टाइम पे मतलब धान पहुंच गया था, और मतलब मेरा पंजीयन की वैधता मतलब 10 तारीख तक था, तो 10 तारीख के बाद यानी मेरा 8 तारीख को धान वहाँ गिर गया था और उनके कापी में एंट्री हो गया था,
तो जब 10 तारीख पे मतलब उनका एंट्री 10 तारीख पहले हो गया था, तो मतलब वो पंजीयन मतलब वहाँ लोड नहीं किया धान को। फिर मैं मतलब 24 तारीख को धान दूसरे किसी पंजीयन में लोड करवाया और 3,000 रुपये लिए थे 124 बोरी का, और एक बार ले गया था 94 बोरी। टोटल में 200 मतलब 24 बोरी दिया था, 18 बोरी, तो 218 बोरी में मेरे को 6,000 रुपये मतलब खर्चा वहाँ पर पड़ा था जी। 45 रुपये राजकुमार समेत सेवक जी लिए थे, और जिसमें से फिलाई उलाई करके 6,000 रुपये खर्चा पड़ा था मेरा। और जो धान उसाने के लिए मतलब एक दिन लेट में जब पहुँचा था मैं, तो बोल रहे थे कि मतलब धान उसाना हो तो साल में तो चटवे लाड़ो, तो मेरे को इस तरह मतलब बोल रहे थे। ये गोदाम आपके घर से कितने किलोमीटर है? ये हमारे घर से करीब 7 किलोमीटर पड़ेगा। ये कहाँ पे गोदाम है? ये जमगढ़ी से। आपका क्या नाम है? मैं बुद्ध सागर जायसवाल बोल रहा हूँ, धुम्मा रोड से। कहाँ के रहने वाले? धुम्मा रोड से। हाँ, तो क्या मैटर है आपका? मैटर ये है कि अपन पिताजी के नाम पे 143 क्विंटल का पंजीयन था जमगढ़ी में, तो हमने धान लेके गया तो पैसा बिना मतलब 15 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से पैसा बिना लिए हमको बोरा नहीं दिया गया, और हमारा धान पूरा फ्रेश था। और ये 1 तारीख को लेकर गया तो हमें धान पैसा नहीं दिए, तो धान हमारा उतारने ही नहीं दे रहे थे। करीब 4 घंटा तक गाड़ी खड़ी थी, इसके बाद हमें उतारने दिया गया। 3,000 रुपये हमने दिया उसको, हमारा धान उतरा जिया गया लिखा गया, पर हमारा कंप्यूटर अभी तक लोड नहीं हुआ है, हम परेशान हैं इससे। कितने का पंजीयन था? 143 क्विंटल का पंजीयन था, उसमें से 348 बोरी हमारा पहुंच चुका है जी। तो मांगते हैं क्या आप लोग अपने? नहीं, पैसा जब तक नहीं देते हैं तब तक गेट का प्रवेश ही नहीं करने देते हैं, बोरा ही नहीं मिलता है। पैसा पहले देते हैं, कहते हैं कि पहले पैसा दे जमा करा, एक बाद बोरा दिल जाइए, एक बाद सियाएगा लिखाएगा। क्या बोलते हैं मतलब कि ऊपर से आदेश है कि आप अपने? बोलते हैं कि हमको 25 रुपये प्रति बोरा खर्च लगता है, और जो ऊपर के अधिकारी आते हैं उनको पैसा देना पड़ता है जी। क्या उनका नाम क्या है? किसका? स्वामी सेवा के जमगढ़ी में श्री राजकुमार सिंह जी है। नाम है आपका? जी संगम साहू हमारा नाम है, ग्राम गोरा के रहने वाले हैं हम। जो सोसाइटी में जमगढ़ी समिति में है वहाँ पे पैसे की मांग की जाती है, बगैर पैसे की वहाँ पे बोरी मिलती ही नहीं है जी। जी एक्चुअली क्या है कि बोरी मिलने के बाद 15 रुपये बोरी तो हिलेंगे ही, इसके बाद 5 रुपये बोरी सिलाई और छली लगाई कर लेते हैं जी। ठीक है, और उसके बगैर वो कंप्यूटर में भी लोड नहीं करते हैं, जब तक सिलाई नहीं होगा तब तक वो रजिस्टर में नाम भी नहीं लिखते हैं किसका है किसका नहीं है। ऐसा ऐसा वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं जो कि किसानों को परेशानी झेलने पड़ रहे हैं जी। जी मतलब आपका पंजीयन कितना था? पंजीयन हमारा 105 क्विंटल का था। तो कितना पैसा आप दिए? पैसा हम 1500 रुपये दिए हैं। अच्छा जी, केवल बोरी भर का और? नहीं, बोरी का और सिलाई का दिए हैं। अच्छा, सब करके? हाँ, सिलाई का अलग से है 850 रुपये। हाँ चलिए, सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।